कनाडा के वातावरण विभाग ने चेतावनी दी है कि वैनकूवर आइलैंड के कई खेतरां विच भारी मीह इस हफ्ते पै सकता है ते दो वार तूफान भी आ सकता है। इस नाल ही एतवार रात ते सोमवार सवेर नूं 60 मिलीमीटर तक मीह पै सकता है। विभाग के अधिकारियों ने अगे जानकारी दी कि टोफिनो ते आइलैंड पोर्ट एलबर्नी दे विच सब तो तेज़ हवावां चलणगियां। तकरीबन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक हवा चल सकती है ते इह गल वी भविखबाणी दे विच साफ कीती गई है कि तूफान दे नाल कोई हड़ दा खतरा नहीं है। ईस्टर्न वैनकूवर ते लोअर मेनलैंड दे विच मीह 20 तों 30 मिलीमीटर तक पैण दी संभावना है। सोमवार दी सवेर नूं तेज़ ठंडी हवा भी चली। मंगलवार नूं आउंदे तूफान दे विच मीह पैण दी कोई संभावना नहीं है ते वैस्टर्न वैनकूवर आइलैंड दे विच तकरीबन 100 मिलीमीटर तक बरसात उसे दिन दर्ज की जा सकती है ते लोअर मेनलैंड दे विच मंगलवार नूं 30 तों 50 मिलीमीटर तक मीह पै सकदा है। मिडटाउन टोरोंटो विच सोमवार की सवेर में एक मनभागा हादसा वापर गया कि एक बजुर्ग औरत की उस समय मौत हो गई जदों उसकी टक्कर एक डंप ट्रक के नाल हो गई। औरत अपने वॉकर की मदद के नाल सवेरे 10:30 बजे माउंट प्लीजेंट रोड से साउथवेस्ट कॉर्नर तो ईस्ट साइड के वल जा रही थी जदों अचानक ही डंप ट्रक के नाल वह टकरा गई जो साउथ वाले पासे नूं मुड़ रहा सी। मौके पर पहुंचे मेडिकल अधिकारियों ने औरत नूं उत्थे ही मृतक ऐलान दिता। पुलिस ने दसिया कि हादसे तो बाद डंप ट्रक का ड्राइवर मौके के उत्ते मौजूद रहा ते जांच के लिए सहयोग दे रहा है। अगे पुलिस अधिकारी ने कहा कि जांच विच हुण तक पता लग्या कि औरत ग्रीन लाइट के उत्ते ही तुर रही सी। ट्रैफिक सर्विस दीआं रीकंस्ट्रक्शन टीम्स भी मौके के उत्ते हादसे की जांच कर रही ने। पुलिस ने कहा कि इस मामले में आले दुआले लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज नूं भी खंगालिया जा रहा है ते चश्मदीदा तो भी पुछगिछ की जा रही है। विनीपेग पुलिस की हिरासत में एक व्यक्ति की मौत होने के बारे खबर है ते हुण मैनीटोबा की पुलिस इस मामले नूं ध्यान दे नाल देख रही है ते पड़ताल कर रही है। जानकारी मुताबक एतवार राती करीब 10:50 दे उत्ते ब्रॉडवे ते शेरब्रुक स्ट्रीट तों पुलिस नूं फोन आया कि एक व्यक्ति की हालत ठीक नहीं जापदी ते उह ट्रैफिक दे विच भज्जिया फिर रहा है। मौके ते पहुंची पुलिस ने व्यक्ति नूं हिरासत विच लिया ते उसकी हालत ज़्यादा खराब हुंदी देख हस्पताल ले जाया गया इलाज दे लई। थोड़ी देर बाद उसनूं मृतक ऐलान दिता गया। मृतक की पछाण होनी हजे बाकी है ते इस मामले की जांच इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने अपने हत्थां विच लै लई है। इस बारे आउंदे समें दे विच पता लगेगा कि आखिर किवें ते क्यों शख्स की हालत इन्नी विगड़ गई सी जिस दी पछाण नूं भी हजे जनतक नहीं कीता गया। कैलगरी पुलिस इस व्यक्ति नूं पछाणन दे वास्ते सहयोग दी मांग कर रही है जिस दे उत्ते जिनसी शोषण दे इल्जाम लगे ने। एक घटना साउथवेस्ट कम्युनिटी ऑफ ग्लेनब्रुक दी है। 21 सितंबर नूं दोपहर दे 12:30 दे नेड़े ही वापरिया जदों पुलिस वल्लों घटना दे बारे अगे दस्या गया कि लड़की रिचमंड स्क्वेयर शॉपिंग सेंटर तो बाहर आ रही सी कि उदों ही आरोपी सामने आया ते उसनूं अपनी एक फोटो करन दे लई कहा। पीड़ित लड़की ने कहा ठीक है ते उसे दौरान आरोपी ने गलत ढंग नाल लड़की नूं छुया। घबरा के लड़की नाल दे स्टोर विच मदद लई चली गई पर उन्ने चिर विच आरोपी उत्थे तो निकल गया। हुण इस मामले विच पुलिस ने आरोपी दीआं तस्वीरां सांझीआं कीतीआं ने ते लोकां तों इस नूं पछाणन दे लई सहयोग दी मांग कीती है। जिस दे बारे दस्सिआ गया कि इस दी उमर करीब 35 साल दे नेड़े है। पूरीआं अखां ने काले वाल ने। पुलिस ने कहा सांझियां कीतियां गईयां तस्वीरां सीसीटीवी कैमरे दे विचों लईयां गईयां ने ते इस संबंधी किसी नूं भी कोई जानकारी होवे तां कैलगरी पुलिस दे नाल 403-268-1234 ते फोन करके जानकारी दसी जा सकती है। ब्रिटिश कोलंबिया के न्यू वैस्टमिनिस्टर विच कुलवंत कौर नामक 46 साल की औरत का चाकू मार के कतल कर दिता गया उसे दे पति वल्लों। अक्तूबर 13 नूं शाम दे 5:09 का समा सी जदों न्यू वैस्टमिनिस्टर पुलिस नूं 200 ब्लॉक ते यूकी स्ट्रीट के उत्ते बुलाया गया जिथे कि 46 साल कुलवंत कौर काफ़ी गंभीर हालत विच सी। एमरजेंसी टीम ने उसनूं बचाउण की कोशिश की पर उसने दम तोड़ दिता जो कि अपने पिछे 8 साल के बच्चे नूं छड्ड गई है। 57 साल के उसके पति बलवीर सिंह नूं मौके तो गिरफ्तार कर लिया गया जिस दे उत्ते कतल दा केस भी 14 अक्टूबर नूं दर्ज कर दिता गया। पुलिस ने कहा कि मामले दी अगे भी होर जांच कर रहे ने जिस लई चश्मदीदा दी भाल भी की जा रही है पर इस मौके गो फंड मी दे उत्ते फंड इकट्ठा किया जा रहा है कि कुलवंत कौर एक बहुत ही वधिया इंसान सी जिस दीआं कि आखिरी रस्मां अदा करन दे लई उसदे परिवार की मदद वास्ते $20,000 तक का टीचा रखा गया है फंड इकट्ठा करन लई जिस दे मापे भारत तो कैनेडा आ रहे ने। इत्थे जिक्र योग है कि कुलवंत कौर घरेलू हिंसा दे शिकार हुई है। साल 2022 दे नवंबर महीने कतल दी जांच करन वाली टीम दे अधिकारियां ने 57 साल दी औरत जडाइन मिलर दे कतल दी जांच शुरू कीती सी जिस नूं हुण करीब 1 साल पूरा होण लग्या कि सफलता हाथ लगी है।
इस मामले विच एक 30 साल दे आरोपी कारसन मैके नूं कैलगरी तों गिरफ्तार किया गया। जांच अधिकारियों ने दस्सिया कि पिछले साल 28 नवंबर नूं हाईवे 1 दे उत्ते उसकी खाली गड्डी मिली सी, जदों उसते लापता होने की रिपोर्ट उस दिन ही की गई सी। मौके तों जांच अधिकारियों ने कई चश्मदीदां दे नाल गलबात भी की ते सबूत इकट्ठे किए, जिन्हां ने कहा कि पीड़ित मिलर की मृतक देह बरामद कर ली गई, पर यह नहीं दस्सिया कि कदों ते कित्थों बरामद की गई। अगे पुलिस अधिकारी ने कहा कि आरोपी मैके भी कुकिटलम दे विच रह रहा सी जदों मिलर लापता हुई, ते दोवें एक दूजे नूं जानदे वी सन, पर दोवां विचाले रिश्ता की सी इस संबंधी पुलिस अधिकारियों ने साफ जानकारी नहीं दिती है। इस दौरान उस औरत की मौत किवें हुई इस संबंधी भी पुलिस अधिकारियों ने हजे कोई साफ तौर दे उते जानकारी सांझी नहीं की। जिन्हां कहा कि अजे बीते दिन ही आरोपी नूं गिरफ्तार किया गया, उसके कोलों सवाल जवाब किए जा रहे ने, ते ओह जांच वल ज्यादा ध्यान दे रहे ने कि केस अदालत दे विच पेश करना है। यह भी एक कारण है कि कुछ संजीदगी भरी जानकारी ओह हजे सांझी नहीं कर सकते, जदों तक अदालत विच यह जानकारी पहला सांझी नहीं कर ली जाती। पर मृतक औरत मैनीटोबा तो ब्रिटिश कोलंबिया शिफ्ट हुई, तो जो अपनी कुड़ी दे होर नज़दीक आ सके, पर इस दौरान उस दे नाल वापर गया।